विघ्न विनाशक विघ्न हर्ता भगवान गणेश के प्रति समूचे भारत वर्ष में प्यार दुलार देखते ही बन रहा है। लोग अपने बप्पा की सेवाओं में लगे हुए हैं और बप्पा से आशीर्वाद लेकर खुद को कृतार्थ कर रहे हैं। आगरा में यूं तो जगह जगह बप्पा के दीवाने इन दिनों भजनों के तरानों में झूमते देखे जा सकते हैं। अब बप्पा के घर से विदाई यानी बप्पा विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज को लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार विसर्जित करेंगे। कोई 11वें दिन तो कोई उससे अगले दिन बप्पा को विदा करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले लोग खुशियों के साथ भंडारा पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आगरा कचहरी घाट कायस्थ गली निवासियों के लिए 10 दिन अद्भुत रहे तो 11वें दिन काफी भावुक रहेगा। आखिर बप्पा को विदा करने का समय जो आ गया है, लेकिन लोग विदा करने के बाद विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज को अगले वर्ष खुशी खुशी आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। ये गणेश उत्सव का आयोजन हम 10 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है इस आयोजन को कर, सभी मिलकर इकट्ठा होते हैं, सब पूजा वूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भगवान की कृपा, कल गणपति जी का विसर्जन है, भगवान की कृपा से ऐसा हर वर्ष होता है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील ये करनी है कि मतलब लोग बाग शांति बनाए रखें विसर्जन के समय पर, अफरा तफरी नहीं मचे और पूरी शांति से सब संपन्न हो जाए विसर्जन। गणेश जी कल जा रहे हैं कहीं ना कहीं? हाँ, बहुत दुख तो होता ही है कि इतने दिन तक हम पूजा करते हैं, 8-10 दिन तक पूजा करते हैं और एकदम से विदा हो जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है खालीपन और सूनापन लगता है बिल्कुल। अगले वर्ष बप्पा जल्दी आए। हर साल यहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। सब लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। किस तरह की तैयारियाँ आप लोग करते हैं? पूजा की, गणेश जी की पूजा सुबह शाम, प्रसाद भोग लगाया जाता है। तो जिम्मेदारी समझते हैं गणेश जी का जो? नहीं, जो 10 दिन होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि गणेश जी की पूजा हमें मतलब एक टाइम टू टाइम करनी चाहिए। बहुत अच्छा फील होता है, अच्छी सी फीलिंग आती है। थोड़ा सा जो 10 दिन थे वो बहुत अच्छे स्पेंड हुए थे, मतलब गणेश जी की पूजा करी थी हम लोगों ने, भोग लगाया था, प्रसाद लगाया था, सब लोग इकट्ठे होते थे यहाँ पे। अब वो कल गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा खालीपन तो महसूस होगा ना। अगले साल गणेश जी आए और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मतलब हर किसी के दिल में बहुत सारी खुशियाँ देकर जाए। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू फिर से आ। आज भंडारे का आयोजन किया गया है। 13 तारीख से गणेश जी को, हाँ, कि उनकी स्थापना दिवस उनका मनाया जा रहा था। उनकी मूर्ति हम लोगों ने विराजमान की थी। उसके बाद आप कल ये आपके विसर्जन का कार्यक्रम है। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी भी आज शामिल? हाँ, हर बार से 3 वर्षों से विधायक जी हमारे साथ आते हैं, हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पूरा त्यौहार सही पूरा मनाया जाता है गणेश जी का, और विधायक जी हर बार आते हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित करके पूरे कर्म की जी। कहीं ना कहीं यमुना में जो कल विसर्जन होगा तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से शांति के साथ? जी, बस हमारा कहना यही है कि सभी लोग शांति और प्रेम पूर्वक गणेश जी का विसर्जन करें, जिससे किसी प्रकार की प्रशासन को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और अपने पूरे तरीके से विधि विधान के साथ गणेश जी को विसर्जित करें। कचहरी घाट कायस्थ गली के निवासियों के बीच पहुंचे विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने कार्यक्रम की तारीफ की। वहीं मौजूद युवा समाज से भी सौरव अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने भी विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज के प्रति अपना प्यार जाहिर किया। कचहरी घाट में जो कायस्थ गली है, इस बार मैं 3 बार यहाँ से चुनाव जीता हूँ। ये मेरा पुराना निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ की जनता से मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है। पहली बार में 5,000 से जीता यहाँ से, दूसरी बार 8,000 से जीता, तीसरी बार 14,000 से जीता। तो यहाँ की जनता का मुझसे बहुत लगाव रहा है, इसीलिए यहाँ की जनता ने मुझे यहाँ गणेश जी रखे हैं, जो 13 तारीख से रखे थे और कल 23 तारीख को इसका यमुना जी में विसर्जन है। उसके अवसर पर यहाँ इन्होंने भंडारा रखा है, उसी में बुलाया है। मैं गणेश जी भगवान के बारे में आपको सभी को मालूम है, विघ्न विनाशक हैं। गणेश उत्सव आगरा में बहुत अच्छा मनाया जा रहा है। पिछले 10-12 वर्षों में देखा जाए आगरा में गणेश उत्सव की धूम मची है। जगह जगह श्रद्धालु अपने घरों में, जगह जगह सामूहिक पंडाल लगाए जा रहे हैं जहां पर गणपति जी विराजमान हो रहे हैं। कचहरी घाट का देखा जाए तो कचहरी घाट में विशेषकर हमारे सत्यप्रकाश बंसल अंकल जो हैं,
और चेतन बंसल जी, और यहाँ पर विधायक जी ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस महोत्सव में चार चांद लगा दिए। भगवान गणेश की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि भगवान गणेश की शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को, आगरा वासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मिले। भगवान गणेश की जय हो। गणपति बप्पा मोरिया। ये हमारी कचहरी घाट की जो मित्र मंडली है, पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर गणेश जी का आयोजन करती रही है, और हमारी सब लोगों पर गणेश जी का इतना आशीर्वाद है कि ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न होता है, और हर साल जो है भव्यता इसकी बढ़ती चली जा रही है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जुड़ें ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से, जिससे हमारे बच्चों पे आगे जाके धार्मिक प्रभाव पड़े। विधायक जी का किस तरह का सहयोग प्यार रहता है? विधायक जी का हमेशा से इस क्षेत्र के लिए शुरू से प्यार ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये कुछ अग्रवालों का और ऐसे लोगों का क्षेत्र है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्यार है। भगवान गणेश जी महाराज के इस कार्यक्रम में सत्य प्रकाश बंसल, चेतन बंसल, कृष्ण बंसल, सौरव अग्रवाल, आनंद मंगल, सचिन मंगल, प्रथम अग्रवाल, अरुण मोंटी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जगन प्रसाद गर्ग ने पहुंचकर कार्यक्रम में चार चांद लगाने का कार्य किया। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट।